करनाल के मधुबन की रहने वाली दो बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी में बड़ा मुकाम हासिल कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिसमें शीतल व तनिष्का तलवारबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं, जिसमें शीतल ने 2 सिल्वर मेडल के अलावा 24 अन्य प्रतियोगिताओं में भी मेडल प्राप्त किए हैं। वहीं तनिष्का ने 2 गोल्ड मेडल के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताओं में 36 मेडल अपने नाम कर देश व प्रदेश में अपनी धाक जमाई है। आज यहां समाचार एक्सप्रेस के एंकर से बातचीत करते हुए बताया कि उनको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु माँ बाप व ट्रेनर व उनके पिताजी की हौसला अफजाई के बाद वह इस मुकाम पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वह देश व प्रदेश का नाम ऐसे ही रोशन करती रहेंगी और मेडल लाकर देश व प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाना चाहती हैं। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटियों के लिए एक मिसाल कायम की है कि मेहनत से हर मंजिल प्राप्त की जा सकती है। इन बेटियों के पिता सोनू खत्री, जो एक कोच भी हैं, उन्होंने बताया कि यहां तक पहुंचने के लिए उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकार से उम्मीद जताई कि वह बेटियों को प्रोत्साहन दे और सहायता भी मुहैया करवाए, क्योंकि बेटियां भी बेटों से आगे बढ़कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकती है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हमारे साथ तलवारबाजी की 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिनके साथ हम उनकी सफलता की कुछ जानकारियां उनसे लेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए हम जानते हैं उनसे। हाँ जी, आपका नाम? तनिष्का। तनिष्का, आपने कितने मेडल लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय इसमें? मेरा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है और एशियन कैडेट सर्किट में गोल्ड है। हाँ जी, आपका नाम? शीतल। आपने कितने मेडल लिए? मैंने 2 मेडल लिए, सैफ गेम्स में इंडिविजुअल सिल्वर और टीम गोल्ड। हाँ जी, और आपकी सफलता के पीछे का क्या राज है, आपको किसने कितना सपोर्ट किया है? हमारी सफलता का राज हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट, हमारी मेहनत, कोचेज ने जो हमें प्रैक्टिस कराई वो सब। आपका जी? पेरेंट्स का सपोर्ट। आपको मतलब कि आप किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी सफलता? अपने ताऊ जी को, उन्होंने, वो हर एक जगह मेरे साथ जाते हैं, मतलब हम दोनों के साथ जाते हैं, उनका ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। पापा हमारे साथ हर कॉम्पिटिशन में जाते हैं, कोचेज जो हमें इतना प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं, हमारी फैमिली जो हमें इतना मोटिवेट करते हैं मेडल वगैरह। आप दोनों सिस्टर्स हो? हाँ जी, कजन सिस्टर्स। हाँ जी जी, आपकी जो, आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा, जैसे जैसे आपने एकदम छोटी सीढ़ी पे पैर रखा होगा, फिर बड़ी सीढ़ी पे, जैसे भी आपने शुरू किया होगा दिक्कतें भी आई होंगी काफ़ी, लोगों ने भी शायद आपको कुछ कहा हो या सरकार की तरफ से आपको हेल्प ना मिली हो, ऐसा कुछ? सरकार की तरफ से मेन तो हमें मतलब स्पॉन्सर वगैरह का है, मेडल आने के बाद भी कोई स्पॉन्सर वगैरह कुछ नहीं मिलता, जो हमें कैश अवार्ड मिलता है मेडल का वो है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार आपकी मदद करती है आपके? हाँ, कैश अवार्ड वगैरह देती है, पर स्पॉन्सर भी ज़रूरी है, जब तक स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे बाहर ट्रेनिंग कैसे करेंगे, और बाहर ट्रेनिंग के बिना बाहर मेडल नहीं आ सकता। आपने ट्रेनिंग कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं? फेंसिंग में हमें 4 साल हो गए, पहले हम लोग ने करनाल में ट्रेनिंग की, उसके बाद हमारा पटियाला खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ था साई में, तब हम उधर चले गए थे, अब 3 साल हमें उधर हो गए। अच्छा, आप जैसे बचपन से आपका ये मतलब कि शौक था या पैशन था, ये देख के कि भी हाँ मुझे ये करना है, अपना पैशन था तलवारबाजी करना, या मतलब कि घर वालों के दबाव में करा है? एक्चुअली हम लोग पहले एथलेटिक्स करते थे, उसके बाद हमारे एथलेटिक वाले कोच ने हम लोग का हर एक गेम का एक एक हफ्ते का कैंप लगा था, तो सबसे पहला कैंप हमारा फेंसिंग का था, तो फेंसिंग में हम लोग को हमें इंटरेस्टिंग लगा था, हमने स्टार्ट की। आपको जैसे आपकी सिस्टर हैं, आपने इनको देख के इनसे मोटिवेट हुए हैं या दोनों ने इकट्ठा प्लान बनाया था कि हम दोनों इकट्ठे साथ चलेंगे? इकट्ठे ही प्लान बनाया था दोनों ने, दोनों एक दूसरे को देख के एक दूसरे को मोटिवेट, साथ ही हैं दोनों, जैसे कोई बात होती होगी तो एक दूसरे को साथ भी देते होंगे, थोड़ा चलता रहता है। हाँ जी, कोई ऐसी बात कि भी कभी मन में वो आया हो कि भी हाँ ये आगे जा रही है मैं पीछे हूँ, थोड़ा ऐसा नहीं? ऐसा कभी नहीं आया, एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है। हाँ जी, हाँ जी। और आपका फ्यूचर में क्या है? हमारा मेन तो भी 2024 का ओलंपिक्स का मेडल का है। और आप अपनी फैमिली को मतलब कि किस किस को श्रेय देना, आपने आपके कोच होंगे उनको, आपकी जो फैमिली में आपके सपोर्ट करा है, किस को श्रेय देना चाहोगे ज़्यादा? फैमिली में सपोर्ट तो सभी ने किया है, पापा मम्मी ने किया है, दादा दादी ने, बुआ फूफा सब ने सपोर्ट किया है। धन्यवाद आपका।
अब हम आइए हम चलते हैं इनके फादर से, जिन्होंने इनका फैमिली में पूरा सपोर्ट किया है, उनसे हर कदम पे इनका साथ दिया है कि कैसे इनको जाना है, इनकी लाठी बन के इनके साथ चलते रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू खत्री है। हाँ जी सर, सर जैसे आपकी दो बेटियां हैं ये, तो इनका आपने से साथ दिया है, काफ़ी दिक्कतें आपको भी आई होंगी, आपने इनका हौसला बढ़ाया है, इनके बारे में? बस पहले ये एथलेटिक करते थे, मधुबन के अंदर ही ट्रेनिंग करवाता था मैं, पहले मैंने भी एथलेटिक की हुई है तो, लेकिन उसके बाद करनाल में आए थे, कैंप लगा था तो फेंसिंग का कैंप था, तो हमारे एक एथलेटिक कोच हैं ऋषि हैं यहाँ करनाल से, तो उन्होंने यहाँ लेके गए तो बच्चों को पसंद आया, बस उसके बाद मैं इनके साथ खड़ा हूँ जब से कर रहे हैं 2015। जैसे आप इनको अपनी बेटियों को साथ लेके चलते हो इनको सिखाने के लिए, तो काफ़ी दिक्कतें भी आई होंगी, परेशानियाँ भी आई होंगी? हाँ, परेशानियाँ तो बहुत आती हैं, फाइनेंशियल बहुत परेशानी आती हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बहुत खर्चा होता है। सरकार सपोर्ट नहीं करती इनकी? सरकार कैश अवार्ड देती है सरकार, तो लेकिन वो कैश अवार्ड बाद में आता है, मेडल जीतने से पहले हमें कुछ नहीं मिलता, मेडल जीतने के बाद तो कैश अवार्ड दे रही है गवर्नमेंट। लेकिन अब मेन दिक्कत क्या है, ये जो तनिक्षा है, चार इंटरनेशनल ऐसे हैं इसके जिसमें मेडल बाउट आ रही है, तो उसके लिए इसको इंटरनेशनल, इन बच्चों को दोनों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और जो बाहर ही अगर वो बाहर ट्रेनिंग करती तो शायद वो मेडल में कन्वर्ट हो जाते वो। जैसे ऐसा नहीं है जैसे पहला मेडल इन्होंने जीता हो तो गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट की तरफ से इनको फ्री ट्रेनिंग दी जा रही हो आगे, या गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती हो? नहीं, वो तो खेलो इंडिया की तरफ से फ्री है, इनकी ट्रेनिंग फ्री है, लेकिन जिस लेवल का इंटरनेशनल में कंपटीशन है उसके लिए हम यहाँ वो अपोनेंट नहीं मिल सकते, कोचिज अपनी प्रैक्टिस अच्छी करवाते हैं लेकिन हम अपोनेंट नहीं ला सकते उस लेवल के, तो वहाँ सफलता नहीं मिल सकती, तो इसके लिए बाहर ही ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। अगर मेरे को 2024 का इनका, मैंने सोचा जो दोनों बहने फाइनल में हों ये, तो उसके लिए बाहर ही ट्रेनिंग होगी इनकी। जैसे ये इतना सफलता के कदम चूम रही हैं दोनों, आपको इनको देख के खुशी भी होती होगी, गर्व भी होता होगा खुद पे कि हाँ जी इनकी वजह से आज आपका भी नाम हो रहा है। बिल्कुल गर्व होता है, दोनों बेटियों जब मेडल लेके आती हैं फाइनल में दोनों खेलती है, लोग मेरे से पूछते हैं कौन सी को जिताना चाहते हो, तो मेरे को ये कहता है गोल्ड भी मेरा है, सिल्वर भी मेरा है, कोई भी आए दोनों बाजू मेरे ही हैं। हाँ जी हाँ जी, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से ये उम्मीद रखते हैं भाई, कैश अवार्ड जो है अभी तीन साल के बाद कैश अवार्ड आया इन बच्चों का, हर साल इन बच्चों का टाइमली कैश अवार्ड दिया जाए ताकि हम इनकी फ्यूचर में बाहर ट्रेनिंग करवा सकें, और कोई ना कोई स्पॉन्सर अगर हमें मिल जाए किसी कंपनी से कोई। अब दो इंटरनेशनल मेडल उस बेटी के हैं, दोनों के हैं, दो इंटरनेशनल मेडल, लेकिन आज तक हमें एक रुपये का कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। अब तीन महीने जो गवर्नमेंट से कैश अवार्ड मिला था और कुछ जो हमने अपनी बचत की हुई थी फैमिली की, उससे मैं इनको फ्रांस में तीन महीने ट्रेनिंग करवा के लाया हूँ, जो आज ये जो रिजल्ट है इनका सीनियर नेशनल में, जो दोनों मैंने फाइनल में थी, ये वहाँ की ट्रेनिंग का ही नतीजा है। आगे इनको किस लेवल तक आप ले जाना चाहते हो? मेरा सपना है 2024 के ओलंपिक में दोनों बहनें फाइनल में हों, एक सोना भी और चांदी भी दोनों मेरे घर आए। चलो जी, आपके दोनों, अच्छा दूसरी जो करनाल की और दूसरी बेटियां हैं उनके लिए ये एक वो बनके उम्मीद बनके उभरी हैं जिन्होंने इतना सफलता का कदम चूमे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो भी ऐसे ही अपने माँ बापा का नाम ऐसे ही रोशन करें? मैं तो सभी बेटियों से प्रार्थना करूंगा और उनके पेरेंट्स से खासकर करूंगा कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ भी और साथ में खिलाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।